मैंने 14th को 14 को पानघंटी गंगम्मा जो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से आई है अपने दोस्त होते लाके वहाँ भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के पास बेगिंग कर रही थी। जब वो उस दिन टॉयलेट के लिए गई थी तो उनके दो पोते शंकर और शिव प्रसाद 7 साल का और 4 साल का दोनों का मिसिंग हुआ। उसी टाइम पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिए और केस एक चैलेंज की तरह लेके पूरे इसको ट्रेस किए। इंस्पेक्टर गुरनायडू, एसआई रमेश और उनकी टीम पूरे एक हफ्ते से उसको ट्रैक करके सीसीटीवीज को और उस ऑटो को कॉल डेटा को पूरे ट्रैक करके फाइनली ये दोनों लड़कों को रेस्क्यू किए। और एक्यूज जो है मल्लम्मा वो भी बेकिंग करके वो अपनी फैमिली से दूर हो गई तो बच्चे को भी उनका बिहेवियर देख के वहाँ पुलिस कंप्लेंट दे दिए तो उनको भी कस्टडी से अलग कर दिया गया और एक अकेली रहती है। ये दोनों लड़कों को वो अपने साथ लेके गई और पुलिस टीम के एफर्ट से इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया। कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब की तरफ से पूरी चार मीनार टीम को बधाई दे रहे हैं। सर इन लोगों कहाँ से रेस्क्यू करेंगे? ये लोग पूरे एलबी नगर क्रॉस रोड में फाइनली मिले लेकिन बीच में करमानगढ़ गए, मुगलपुरा, संतोष नगर, फैसल बंडा, कोटी गए, बालापुर गए। ये एक हफ्ते में नहीं घर से वो बाहर आ गए, उसका हस्बैंड भी उसका मर गया। बच्चों को इस्तेमाल करके बैगिंग कर रहे हैं ये दोनों बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स में उस और टेम्पल्स के पास बच्चों के ये बच्चों को इस्तेमाल करके ये बैगिंग कर रहे हैं। अभी लेडीज का फर्स्ट केस है ना, ऑलरेडी से भी अभी तक तो दूसरी केस कुछ नहीं निकला। एक उसका फैमिली मेंबर्स है उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की कंप्लेंट से वो आदिबटला एरिया से उनको पुलिस आके उनको लीगल कस्टडी ने बच्चों को उसको यहाँ से लेडी से लेके उनके पेरेंट्स को उनका ग्रैंड पेरेंट्स को दी गई क्योंकि इसका लड़की का बिहेवियर अच्छा नहीं बोल के बाहर ही रह रहे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे बच्चों को लेकर रहते हैं तो वैसे लोगों को भी वेरीफाई करेंगे। नहीं बैगिंग फैमिली कुछ नहीं होता, फैमिली है, मैरिड है, उनका भी बच्चे है। ऐसा नहीं हो सकता ना सर यहाँ पे ले जाके किसी के स्टेट में बेचना? हो सकता है, हो सकता है। अभी रेस्क्यू तो कर लिए लेकिन यही करके ये बालापुर एरिया में बैगिंग कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स के पास।